केवल पंजाबी बोलते हुए कितनी संस्कृत बोलते हैं। तो भारतीय भाषाओं की जन्मभूमि पंजाब और जननी संस्कृत, और संस्कृत का पहला ग्रंथ पंजाब में था। इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर मीना सेठ जी को पूरा हक है कि वो हिंदी दिवस और भारतीय भाषाओं को अपनी स्मृति में और बच्चों की स्मृति में लेकर आए। अब हिंदी साहित्य का आप देखिए, संस्कृति भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठाजनक स्थिति पर जा रही है। पाणिनि संस्कृत के पहले व्याकरण करना चाहते थे, पेशावर के रहने वाले थे, पेशावर पंजाब का हिस्सा था, और पाणिनि ने संस्कृत का पहला व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी। श्रीमद् भगवद गीता का उवाच कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए, वाल्मीकि की जो आदि रामायण है उसका लवकुश कांड अमृतसर की भूमि पर बता। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आप देखिए कि पंजाब का बहुत बड़ा योगदान हिंदी साहित्य को, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं या हिंदी के बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास के बारे में, तो 10वीं शताब्दी का पहला कवि चंद बरदाई, पहला महाकाव्य लिखा पृथ्वीराज राठौर, चंद बरदाई लाहौर का रहने वाला। हिंदी की कहानी 1000 साल की है और यह कहानी शुरू होती है पंजाब के कवि चंद बरदाई से। 5वीं शताब्दी का बहुत बड़ा कवि अब्दुल रहमान रचना संदेश राशक, हिंदी के बहुत बड़े अधिकारी विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन किया और लिखा कि अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला है और ये 12वीं शताब्दी का हिंदी का बहुत बड़ा रचनाकार। श्री गुरु ग्रंथ साहब 1604 में गुरु अर्जन देव ने अमृतसर की पावन धरा पर उसका संपादन किया। 36 वाणी का सिर्फ 6 गुरु साहबान है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, और उसके बाद नवम गुरु गुरु तेग बहादुर साहब, ये 6 गुरु साहबान है। 30 भारतीय भाषाओं के बहुत बड़े बड़े संत महापुरुष वाणिका, पुराना कवि, सबसे पुराना कवि गुरु ग्रंथ साहब में जयदेव है, संस्कृत का कवि, 10वीं शताब्दी का कवि है, उसने गीत गोविंद लिखा और गुरु ग्रंथ साहब में जयदेव के पद संकलित। कबीर साहब हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार, कबीर साहब के 249 शब्द और 253 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित। नामदेव जी मराठी के बहुत बड़े रचनाकार, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी। धन्ना राजस्थान का बहुत बड़ा कवि, गुरु ग्रंथ साहब में उनकी वाणी। तो 36 हिंदी के उच्च कोटि के जो पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहब है, 30 वाणीकार भारतीय भाषाओं के हैं और गुरु ग्रंथ साहब इंडियन लिटरेचर का
मेडिवल पीरियड में पहला डायलॉग पेश कर रहा है। ये सब कुछ कहाँ हुआ? अमृतसर की धरती पर 1604 में पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किया और पूरा मध्यकाल भक्ति मूवमेंट उठा, पूरे देश को भारतीय भाषाओं के रंग में संतों ने, सूफियों ने, फकीरों ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने रंग दिया भारतीय भाषाओं, और इन भारतीय भाषाओं का एकमात्र प्रमाणिक संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहब है। अगर आज भक्ति आंदोलन का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय चिंतन का पिछले 800 सालों की भारतीय काव्य का अगर आपने कोई प्रमाणिक स्रोत देखना है तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहब है। वो आपकी इस भूमि पर, पंजाब की भूमि पर इन कवियों को गुरु अर्जन देव ने एक बड़े महाग्रंथ में संकलित किया। तो इसलिए कई बार लोग कई तरह के सवाल उठाते हैं कि हमारी तो माँ बोली पंजाबी है, हम क्यों पढ़े संस्कृत, हम क्यों पढ़े हिंदी, हम क्यों पढ़े ब्रज, हमारे लिए अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है। पर ये सवाल राजनीतिक हो सकते हैं। अगर संस्कृति भारतीय अध्यात्म, भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय विरासत को समझना है तो फिर संस्कृत हिंदी इतना जरूरी साहित्य है कि हम अपने अपने प्रांतों को नहीं समझ सकते। पंजाब में आप देखिए सिख इतिहास, सिख चिंतन, सिख दर्शन और पंजाब के इतिहास के 18वीं शताब्दी के चार बड़े स्रोत हैं। एक भाई संतोख सिंह का गुरु प्रताप सूरज, ज्ञानी ज्ञान सिंह का तवारी गुरु खालसा, रतन सिंह बंगू का प्राचीन पंथ प्रकाश, स्वरूपदास भल्ला का महिमा प्रकाश। ये चार बड़ी पोथियां हैं। चाहे डॉक्टर गंगा सिंह हो, डॉक्टर डी एस गरेवाल हो, डॉक्टर फौजा सिंह हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट हो, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का पंजाब हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, इन चार ग्रंथों के बिना पंजाब के प्राचीन, मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन इतिहास ना लिखा जा सकता है ना समझा जा सकता है। और ये चारों ग्रंथ ब्रजभाषा हिंदी में, ये पंजाब के इतिहास के स्रोत हैं। और देखिए गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े हिंदी के रचनाकार, इतने बड़े रचनाकार कि उनका एक ग्रंथ है दशम ग्रंथ, उसमें 13 रचनाएं हैं। पहली रचना है विचित्र नाटक, ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ये हिंदी ब्रज में काव्य में लिखी गई है। ये हिंदी की पहली आत्मकथा है जो काव्य में रचा गया पोथी है। अगर आज किसी विद्यार्थी ने हिंदी आत्मकथा के ऊपर पीएचडी करनी हो तो उसको शुरू करना पड़ेगा गुरु गोविंद सिंह कृत, जो उनकी आत्मकथा है विचित्र नाटक से। गुरु गोविंद सिंह के रचनाओं के नाम देखिएगा, अकाल पुस्तक, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, उक्ति विलास, चंडी चरित्र, चरित्रोपाख्यान, कृष्णा अवतार, स्वये मुख पातशाही दसवीं के, दो रचनाएं अन्य भाषाओं की, चंडी दीवार पंजाबी और जफरनामा फारसी। 13 रचनाओं में से 11 रचनाएं दसम पिता गुरु गोविंद सिंह ब्रज भाषा में रखते हैं और वो ब्रज भाषा के बहुत बड़े, ब्रज भाषा हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार। गुरु गोविंद सिंह का विद्या दरबार था,
पौंडा साहब अनंतपुर।